हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, PS5 इंडिया में लॉन्च होने वाला है और उसकी आज सारी डेट्स और प्राइस, सारे स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग PS5, वो सारे क्लियर होने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप गेमिंग का शौक रखते हैं और PS5 अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि हम यूट्यूब पे ट्राई करते हैं सबसे पहले जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और खासकर बजट प्रोडक्ट्स, उनको हम यूट्यूब पे सबसे पहले लाने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल ही क्वालिटी कंटेंट देते हैं। तो दोस्तों, जरूर हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सारे टॉपिक्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि PS5 इंडिया में कब आने वाला है। दूसरा टॉपिक होने वाला है कि उसका प्राइस कितना होने वाला है, क्या जो रूमर्स 50,000 के चल रहे थे वो सही है या गलत है, इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है जो कन्फर्म हो चुका है। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेजर डिफरेंस है आपके स्टैंडर्ड PS5 में और PS5 डिजिटल एडिशन। अगर आप जानते हैं कि PS5 के दो एडिशन आए हैं, इनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिजिटल PS5 लेना चाहिए या स्टैंडर्ड PS5 लेना चाहिए, तो ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम ये भी बताएंगे कि PS5 का कैसा लुक होने वाला है और कैसे उसके UI होने वाला है और कैसा उसका इंटरफेस होने वाला है और साथ ही साथ उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। और दोस्तों, मैं जरूर बताऊंगा आपको इसमें सारे आपके बॉक्स कंटेंट्स क्या होने वाले हैं। PS5 का न्यू कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा और आपको क्या क्या बॉक्स कंटेंट्स मिलने वाले हैं और क्या आप एक्स्ट्रा एक्सेसरीज बाय कर सकते हैं PS5 की। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या PS5 बैकवर्ड कंपैटिबल है PS4 गेम्स के साथ, यानी कि क्या आप PS4 की गेम्स खेल सकते हैं PS5 में या नहीं। और साथ ही साथ मैं आपका ये भी डाउट क्लियर करूंगा कि PS5 क्या फर्स्ट पार्टी एक्सेसरीज, यानी कि अगर आप कोई दूसरी एक्सेसरीज यूज करना चाहते हैं और वो कौन सी एक्सेसरीज है, तो आप कैसे यूज कर पाएंगे और कितने प्राइस रेट पे वो एक्सेसरीज लॉन्च होने वाली है। तो ये पूरी असेंबली लाइन होने वाली है PS5 की और सारी मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इस वीडियो में। और दोस्तों, एंड में एक बोनस टिप होने वाले हैं कि आप PS5 की लाइनअप में कौन सी गेम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि टॉप ऑफ द नॉच, यानी कि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेक मंजिल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि PS5 इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोनी ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है कि PS5 US, जापान, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया में 12 नवंबर को लॉन्च हो जाएगा। और दोस्तों, बाकी कंट्रीज में PS5 लॉन्च हो जाएगा 19 नवंबर को। तो मोस्ट प्रोबेबली 19 नवंबर को आपको PS5 का लॉन्च इंडिया में होता हुआ दिख जाएगा और आप उसको खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, अब आप जानना चाहते होंगे कि प्राइस क्या है, क्या ये जो रूमर्स फैल रहे थे कि इंडिया में 50,000 के अराउंड आएगा PS5, क्या वो सच है, कई यूट्यूबर्स ने गलत बात बोली या सही बोली। तो दोस्तों, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ताकि आप वीडियो बिल्कुल ही एंड तक देखते रहिए। और बहुत ही अमेजिंग डिटेल्स मैं आपको PS5 की बताने वाला हूँ, जो आपको अनबॉक्सिंग में भी नहीं पता चलेंगी, वो इनसाइडर डिटेल्स और सारी डेप्थ में आपको वीडियो में पता चल जाएगी नॉलेज। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेजर डिफरेंस है स्टैंडर्ड PS5 और PS5 डिजिटल में। तो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड PS5 और PS5 डिजिटल एडिशन, दो एडिशंस लॉन्च किए हैं PS5 ने और दोनों के कंसोल सेम लेवल ऑफ ग्राफिक्स के हैं, उनका डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम है और दोनों की में ही सेम फास्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव की स्टोरेज है, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। लेकिन दोस्तों, दो चीज़ें हैं जो उसको मेनली डिफरेंट बनाती है दोनों एडिशंस को। सबसे पहली बात तो PS5 डिस्क ड्राइव रखती है अपने में, जो स्टैंडर्ड PS5 है, और जो PS5 डिजिटल एडिशन है उसमें डिस्क ड्राइव नहीं है। और दोनों कंसोल्स में सेम डिज़ाइन है, लेकिन जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि प्राइस डिफरेंस है दोनों के, और इन दोनों का प्राइस डिफरेंस जो है वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए क्या बनी, आपके लिए PS5 है या PS5 डिजिटल एडिशन है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंसर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है और कैसी उसका बजट सपोर्ट करता है उसको। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप PS5 स्टैंडर्ड एडिशन तभी लें अगर आपको फिजिकल डिस्क या कोई आप ब्लूरे, अल्ट्रा HD, मूवी डिस्क वगैरह वो सब आप कैरी करते, तो आपको PS5 स्टैंडर्ड एडिशन लेना चाहिए, जिसमें आपको डिस्क स्पेस भी मिलेगा साथ में। और नहीं तो अगर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप PS5 डिजिटल एडिशन ले सकते हैं, जिसमें आप जितने भी डिजिटल डाउनलोडेड गेम्स है PS5 पे उसको आप एक्सेस कर पाएंगे और इजीली खेल पाएंगे। और दोस्तों, PS5 की लुक कैसी है? तो दोस्तों, PS5 सबसे ज़्यादा हाइप इसी बात की क्रिएट हुई थी, क्योंकि उसकी लुक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और अमेजिंग थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, PS5 की लुक तो अमेजिंग है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बल्की है,
वेट में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोस्तों साइज में काफी मेजर डिफरेंस है। PS4 से काफी बड़ा है PS5 का कंसोल, और जो उसकी लुक है वो बहुत ही सुंदर है दोस्तों। स्पोर्टिंग व्हाइट एक्सटीरियर आपको और ब्लैक इनर शेल मिलेगा, बिल्कुल ही एक एलियन स्पेसशिप लुक टाइप है। और दोस्तों आपका जो ये कंसोल है ये आपका वर्टिकली भी स्टैंड हो सकता है और ले फ्लैट भी हो सकता है, यानी कि आप इसको लिटा के भी खेल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मिलेगी। आपको एक बेस मिलेगा बॉक्स में, उसको आप जिस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो PS5 का डिजिटल वर्जन है वो स्टैंडर्ड PS5 वाले से थोड़ा स्लिम है, क्योंकि दोस्तों उसमें डिस्क स्पेस नहीं है। और दोस्तों अब हम चलते हैं मेन बात के PS5 की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो दोस्तों आपने भले ही इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर ली होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से PS5 के स्पेसिफिकेशंस डिटेल में बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो PS5 है ये पावर्ड बाय AMD Zen 2 CPU है, और इसका जो कस्टम GPU है वो AMD बेस्ड कंपनी का है, RDNA 2 आर्किटेक्चर का। और साथ ही आपको 10.28 का टेराफ्लॉप्स पावर देता है, जो कि 36 कंप्यूट यूनिट्स के साथ आता है, जो इंडिविजुअली 2.23 GHz की स्पीड से चलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों सिस्टम मेमोरी जो है वो आपकी 16 GB तक होगी, और साथ ही साथ जो आपका कंसोल होने वाला है वो आपका रियल टाइम रे ट्रेसिंग और एडवांस विजुअल इफेक्ट्स को भी सॉलिड स्टेट ड्राइव के साथ सपोर्ट करेगा। और दोस्तों इसमें जो स्टोरेज साइज होने वाला है वो 825 GB का होने वाला है, और जैसा आप लोग जानते हैं कि Xbox Series 10 का 1 TB तक का SSD स्टोरेज है, लेकिन इसका जो PS5 का जो स्टोरेज है वो आपको 825 GB तक का ही मिलता है। और दोस्तों PS5 आपका 3D ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। और दोस्तों PS5 का जो आपका न्यू कंट्रोलर है ये आपका डुअल सेंस वायरलेस कंट्रोलर है, और इसमें आपको न्यू डिज़ाइन मिल जाता है और साथ ही साथ न्यू फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आपको हैप्टिक फीडबैक मिल जाता है, अडैप्टिव ट्रिगर्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ बिल्ट इन माइक्रोफोन मिल जाता है। और दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है डुअल सेंस कंट्रोलर, जो कि आपका कंपैटिबल है एंड्रॉयड डिवाइसेज और PC सपोर्ट के साथ। और दोस्तों इसमें कई ज़्यादा और भी अमेजिंग फीचर्स है कंट्रोलर में, तो इसको मैं डिटेल में अलग से वीडियो में बताना चाहूँगा। तो अगर आप इस वीडियो पे 1000 लाइक्स तक कर देते हैं तो मैं आपकी कंट्रोलर और कंसोल पे और भी ज़्यादा अमेजिंग डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो पे 1000 लाइक्स तक कर दीजिए दोस्तों, हम जल्दी एक और वीडियो ले आएंगे। और दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि PS5 क्या PS4 की गेम्स को सपोर्ट कर पाएगा या नहीं। तो दोस्तों सोनी ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि PS4 की जो गेम्स थी वो प्लेएबल होंगी PS5 पे, यानी कि आप PS5 पे PS4 की गेम्स खेल पाएंगे। और दोस्तों ये बैकवर्ड कंपैटिबल की वजह से होगा, और दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप PS4 की गेम्स PS5 में खेल पाएंगे। और दोस्तों अब आपके मन में आ रहा होगा कि PS5 की असेंबली लाइन में और क्या क्या अमेजिंग एक्सेसरीज हैं, और आप उसको कैसे किस प्राइस में खरीद सकते हैं PS5 के कंसोल और कंट्रोलर के साथ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोनी ने बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सेसरीज लॉन्च किए PS5 के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसने लॉन्च किए डुअल सेंस वायरलेस कंट्रोलर, जो कि 5990 का है। जी हाँ दोस्तों 5990 का आपको वायरलेस कंट्रोलर मिल जाएगा इंडिविजुअली, और आप एक HD कैमरा भी खरीद सकते हैं दोस्तों अगर आप स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, जिसका प्राइस होने वाला है 5190। और दोस्तों आप एक अमेजिंग वायरलेस हेडफोन भी ले सकते हैं, जो कि पल्स 3D के नाम से है, जिसका प्राइस होने वाला है 8590। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपका बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स आपकी तरफ से उसके हिसाब से आप इसको यूज़ करिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सोनी का ही हेडफोन लेना है। और दोस्तों साथ ही साथ आप इसमें एक मीडिया रिमोट भी ले सकते हैं, जिसमें 4 टाइप्स के बटन्स होने वाले हैं। सबसे पहला आपको सपोर्ट उसमें होने वाला है Disney+ का, Netflix का, Spotify का और YouTube का, और उसमें आपको इंटीग्रेटेड Twitch और Apple+ का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और इस रिमोट की मूवी एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज का प्राइस होने वाला है ओनली 2590। जी हाँ दोस्तों 2590 आने वाला है इसका प्राइस। और दोस्तों इसमें आपको एक मिल जाएगा डुअल सेंस चार्जिंग स्टेशन। जी हाँ दोस्तों इससे आप 2 रिमोट्स को एक साथ चार्ज कर सकते हैं, 2 वायरलेस कंट्रोलर्स को, और इसका प्राइस होने वाला है 2590। और दोस्तों अगर आप कंट्रोलर और कंसोल की डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि क्या क्या फीचर्स है, कैसी लुक है, और साथ ही साथ इसमें आपको क्या क्या डिफरेंट मिल रहा है, तो जल्दी से इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए, मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो ले आऊँगा। और दोस्तों अब आप जानना चाहेंगे कि PS5 का UI कैसा होने वाला है, UI एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस है और कैसी लुक आ रही है उसकी UI की। इसका जो UI है काफ़ी क्लीनर लुक के साथ आया है, और साथ ही साथ इसमें आपको एडवांटेज मिल जाएगा इसके 4K डिस्प्ले का, और जो कि 8K तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इसकी HDMI के साथ कनेक्ट करके। और दोस्तों इसका जो इंटरफेस होने वाला है कार्ड बेस्ड होने वाला है, जिसको आप सिंगल क्लिक एक्सेस से कर सकते हैं यूज़। और दोस्तों इसमें आपको मिलने वाला है न्यू कंट्रोल सेंटर, जो आपको एक्सेस दे देता है टॉप फीचर्स सेटिंग्स, और वो भी एक सिंगल प्रेस पे। जी हाँ दोस्तों ये डुअल सेंस कंट्रोलर आपको बहुत ही अमेजिंग UI एक्सपीरियंस देने वाला है। और दोस्तों साथ ही साथ आप एक्सेस कर सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस, और साथ ही साथ ग्रुप चैट, जिसको पार्टी फीचर के नाम से एक्सेस मिलेगा।
और ये बहुत ही अमेजिंग सिंगल प्रेस बटन फीचर्स मिलने वाले हैं आपको दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा और क्लीन यूआई एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको। तो दोस्तों अब आ जाते हैं बोनस पार्ट पे वीडियो के कि आप PS5 के लाइनअप में कौन सी गेम्स और अमेजिंग लाइनअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो कन्फर्म गेम्स है वो सबसे पहले तो लाइनअप में है डेविल मे क्राई 5 जो कि स्पेशल एडिशन होने वाला है, और साथ ही साथ आपको फाइनल फैंटेसी का भी नया एडिशन मिल जाएगा, हॉगवर्ड्स लेगेसी मिल जाएगी और न्यू गॉड ऑफ वॉर का टाइटल भी मिलने वाला है। तो दोस्तों बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और एक बहुत ही बोनस गेम होने वाली है जो कि है स्पाइडरमैन की भी मार्वल की स्पेशल गेम होने वाली है ये, और मार्वल एवेंजर्स के साथ साथ आपको फीफा 21 का भी एक्सेस मिल जाएगा इस गेम में। तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है गेमर्स के लिए स्पेशली, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों मेन बात पे आ जाते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो का एंड तक वेट कर रहे थे जो कि है इसका प्राइसिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी प्राइसिंग जो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो स्टैंडर्ड PS5 वर्जन है वो आपको कॉस्ट होने वाला है 49,990 में, और जो डिस्कलेस वर्जन है वो इसका आया है 39,990 में। तो दोस्तों जो एडिशन आपके लिए सही रहेगा आप उसको खरीद सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट्स और जितने भी FAQs थे इस PS5 के रिगार्डिंग सारे क्लियर कर दिए हैं। और मैं दोस्तों ऐसे ही YouTube पे सबसे पहले वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल न्यूज़ हैं, और साथ ही साथ जितने भी बजट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ हैं। तो दोस्तों जल्दी से टेक मंजिल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और अपने गेमर्स फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।